नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के चैलीटर मोहल्ले में जमीनी विवाद में भतीजे ने अपनी चाची को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे चाचा को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। आनंद फानंद में महिला को इलाज के लिए पीएम से लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं मृतिका प्रियंका देवी के पति प्रमोद कुमार का इलाज पटना स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घटना स्थल पर पटना सिटी एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए आरोपी शिवम कुमार और उसके पिता संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ पे एक घरेलू विवाद में लोगों ने एक पक्ष है उसके द्वारा चाकू मार दिया गया, लड़के के द्वारा अपनी चाची को और अपनी चाची की संभवतः डेथ हो गई है अभी। तो कहाँ के रहने वाले थे सर? ये पैगी डाल के हैं जो। और जो मृतक है उनको किस तरीके से चाकू मारा गया और क्या का मामला है सर? मृतक को क्या कारण था चाकू मारने का? तो छोटा बड़ा ही काम करते हैं। ये झगड़ा जो है पीढ़ी के विवाद से हुआ, बात बढ़ गई और लड़के ने चाकू मार दिया, गिरफ्तारी हो। चाचा जो घायल है सर, उसका उनका क्या नाम हुआ? उसका नाम प्रमोद कुमार है, उसकी पत्नी प्रियंका देवी। यहाँ ताला मारने आया था, ताला मारने चाबी नहीं दे रहा। बोले इसके पहले क्या जानकारी मिली? पहले मेरा जानकारी पूछ लिया, हम घर पे थे तो हम वहाँ पे खाना वाना खा के निकले। मैं अपने बहन से बात किए थे, बहन से बात किए थे, यहाँ से चले गए कदम का सब्जी मार्केट में रहते हैं, वो अभी बात कर रहे हैं। कदम का सब्जी मार्केट गया तो वहाँ से वहाँ से जैसे पहुँचे वहाँ पर तो फोन आ गया मम्मी का, भैया का भी फोन आ गया कि प्रियंका का चाचा का चाकू मार दिया। हम धौरो लाए एनएमसीएच में देखे, वहाँ पर गया तो वहाँ से गया पीएमसीएच। मेरा जिया जी है तो वहाँ पर पहाड़ी पर वहाँ पर कोची का हॉस्पिटल है, वहीं पर रखी है। कौन लगते हैं आपके? मेरे जीजा जी लगते हैं। जिनको चाकू लगा है जो डेट कर गए उनका? वो मेरी बहन। क्या नाम था उनका? प्रियंका कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अनुराग कुमार।